अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पैगाम हक के साथ आपका मेज़बान इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद अरसलान सईद आपके सामने हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में हर मौजू के ऊपर बहुत तफसील से अल्लाह ताला ने नौ इंसान को जो है बनी इंसान को बहुत ही मुफसिल अंदाज में हर तरीके से एक रहनुमाई या एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर मामले में एक रहनुमाई अता फरमाई है। हर आयत में कोई ना कोई एक ऐसी बात पोशीदा है जिसके अंदर एक ऐसा राज है जो कहीं ना कहीं इंसानी ज़िंदगी से इंटरलिंक्ड ज़रूर है। आज के इस प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे, जो हमारा आज का मौजू है, वो है वालदैन यानी कि माँ बाप। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सूरह इसरा यानी कि बनी इसराइल, आयत नंबर 23। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़कना और ना उनसे अदब बेअदबी के साथ बात करना। यानी कि इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी इबादत की बात करी कि आपने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी कि अपने अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो। और उसी के साथ दूसरी बात जो अहम फरमाई वो ये कि अपने वालदैन के साथ भलाई करते रहो, माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। तो ये माँ बाप के साथ भलाई करने का क्यों बयान फरमाया, क्योंकि इस पूरी कायनात के अंदर अगर कोई रिश्ता किसी के साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुखलिसी के पर मबनी हो, तो वो रिश्ता जो है वो माँ बाप का रिश्ता है। बेगर्ज़ी यानी कि किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं, किसी किस्म की कोई लालच नहीं, और सिर्फ खुलूस, पुरखलूस यानी कि इखलास के साथ ये रिश्ता होता है। तो ये जो माँ बाप हैं इनके साथ हमें भलाई का जो है रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हम आज के दौर में देखते हैं तो ये बिल्कुल इसके बरअक्स चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लोग माँ बाप की बात तक सुनना गवारा नहीं करते, उनका चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग उनको अपने घर में जगह नहीं देते। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जमा पूंजी पूरी की पूरी अपनी औलाद पर लुटा दी, जिन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लिया, लेकिन अपनी औलाद को उस काबिल बनाया कि वो आज माशरे में एक अहम फ़र्द की हैसियत से, एक अहम माशरे में एक फ़र्द की हैसियत से एक अच्छे रोल मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने आप को मकाम बनाया और अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत करी, और आज वही औलाद जो है उनके लिए एक तमाशा बनी हुई है और उनकी ज़िंदगी को एक तमाशा बनाया हुआ है उसी औलाद ने। तो हमें चाहिए कि हम इन आयात की रोशनी के अंदर इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिमा तअबुदुश शैतान, इज़ क़ाल लिअबीही या अबती मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग्नी अनका शैआ। सूरह मरियम आयत नंबर 42। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हैं जो ना सुनी और ना देखी और ना आपके कुछ काम आ सकी। नाज़रीन ने कहा, रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक होने वाला जोड़ा जब औलाद की नेमत के सबब माँ बाप के मर्तबे पर फाइज होते ही मज़ीद जिम्मेदारियों से वाबस्ता हो जाता है तो नस्ल को परवान चढ़ाने का सबब बनता है और अपनी ख्वाहिशात को रोक कर अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत, खुराक और सेहत को मुकद्दम रखता है। यही वजह है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इनके इस इशार का सिला बेहतरीन सिला आखिरत में मिलने के साथ दुनिया में भी उनकी इज्जत और तकरीम और एहतराम को इंतहाई लाजमी करार दिया है। कुरान की तालीमात की रोशनी में माँ बाप से गुफ्तगू करते वक्त नरम
انداز اختیار کرنا، دھیمے انداز سے بات کرنا، اور ان سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی اف تک نہ کہنا، یعنی کہ اف کے اوپر بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ آپ نے اف تک نہیں کرنا ہے. اسی طرح انفاق کے مصارف میں بھی اولیت والدین کو دی ہے. اسی طرح والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم اور کس انداز میں ان کے لیے دعا کی جائے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں بھی بڑی آیات اور بڑے جو ہے معاملات ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں بڑا محتاط انداز اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم نے ان کے لیے کس لیول کی دعا کرنی ہے اور ان کے درجات کی کس طرح بلندی کی دعا فرمانی ہے. ان کے لیے ہم نے چونکہ انہوں نے ایک ایسا کام ہمارے لیے سر انجام دے دیا، کیونکہ وہ کائنات میں ایسی ہستیاں ان کے علاوہ اور کوئی ہمیں نہیں ملتی. تو اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين، سورة الاحقاف آیت نمبر 17. اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کم بخت ایمان لا، خدا کا وعدہ تو سچا ہے، تو کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، سورہ نوح آیت نمبر 28. اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا. تو یہ جو چند آیات ہیں اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، ان کی کیا شان ہے. لیکن سامعین اکرام، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں اولاد اپنے ماں باپ کی وہ عزت نہیں کر پا رہی جو ان کا حق ہے. قرآن کریم میں کم و بیش 36 آیات ماں باپ کے موضوع پر مذکور ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 36 آیات جو ہیں وہ موضوع جو ہے ان کا وہ ماں باپ ہیں، والدین، یعنی کہ جو ہمارے والدین ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، پھر مکر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم روگردان رہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کو بھی اسی بات کا درس دیا گیا جس طرح بنی اسماعیل کو جس طرح دیا جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو پچھلی آیت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیفے جو اتارے گئے، جو ہماری آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں پچھلی، ان میں بھی ماں باپ کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں اس آیت یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ آیت، کہ وہ جو صحیفے اترے ان میں بھی ماں باپ کا ذکر کیا ہوا، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کتنی ضروری ہے. یعنی کہ ان کا ادب کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ان کا ادب. کیا ہم آج کے اس دور میں اپنے ماں باپ کو ان کی حیثیت کے مطابق ان سے عمل کرتے ہیں؟
क्या उनके साथ हमारा हुस्न सुलूक क्या उनके साथ वैसा ही है? क्या एक बेटा अपने बाप के साथ उसी तरह बातचीत रवाबित रखता है जो कि होने चाहिए? क्या हम अपनी माओं के साथ जो है वो उसी तरह उनकी इज्जत तो तकरीम करते हैं? लेकिन हम अगर हम माशरे में देखें तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। और दूसरी तरफ अगर हम माशरे का दूसरा रुख देखें तो वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने कंधों पर बिठा करके अपनी माँ को या अपने माँ बाप दोनों को हज और उम्र जैसी जो है ना अजीम इबादतें जो है वो अदा करते हैं। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हमें मजमूई तौर पर देखना होगा कि हम अपने जो लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, क्या वो लोग इस बात पर इस अमल कर रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको इस बात की तरफ लेकर आएँ कि माँ बाप ही असल जो जिसको कहते हैं ना पुरखलूस रिश्ता जो है वो माँ बाप ही का है। तो अगर किसी के साथ कोई ऐसा रवैया रख रहा है कोई अपने माँ बाप के साथ, तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर उनसे माफ़ी मांगे। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वो आप जितने भी उनसे नाराज़ हों या वो आपसे जितने भी नाराज़ हों, आप उनसे एक दफ़ा जाएं और सच्चे दिल के साथ एक दफ़ा माफ़ी मांगें तो वो आपको यकीनन माफ़ कर देंगे और अपने गले से लगा लेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير سورة البقرة آية نمبر 233। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस इसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना पहनना है हस्ब दस्तूर किसी जान पर बोझ ना रखा जाएगा मगर उसके मकदूर फिर माँ को ज़रूर ना दिया जाए इसके बच्चे से, और ना औलाद वाले को उसके औलाद से या माँ ज़रूर ज़रर ना दे और अपने बच्चे को, और ना औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप का कायम मकाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रज़ा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मुजायका नहीं, जबकि जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। इसी तरीके से सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फइन कुन्ना निसाअन फौक इस्नतैन फलहुन्ना थुलुथा मा तरक وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। ترجمة: अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, और फिर अगर नरी लड़कियां हों अगरचा 2 से ऊपर तो उनकी तरके की 2/3, और अगर 1 लड़की हो तो उसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को इसके तरके से 1/6, अगर मैयत के औलाद हो फिर अगर उसकी औलाद ना हो तो और माँ बाप छोड़ दें तो माँ का 1/3 हिस्सा, फिर अगर उसके कई बहन भाई हों तो माँ का 1/6 बाद इस वसीयत के जो कर गया, और दीन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि उनमें तुम कौन तुम्हारे से ज़्यादा काम आएगा, यह हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। इन आयात में विरासत से मुतालिक चीज़ों के ऊपर भी बताया गया, और इसी तरह जब हर माँ बाप का ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की तरबियत भी अच्छी तरीके से करें,
क्योंकि एक जगह आप ने फरमाया था कि माँ बाप, औलाद का माँ बाप पर सबसे बड़ा हक है कि वो क्या करें, कि माँ बाप उस बच्चे के लिए अगर वो चाहते हैं कि वो उसका हक अदा करें तो उसको एक अच्छी तरबियत फराहम करें, उसको एक तालीम, अच्छी तालीम उसको जो है वो उसकी इतनी तालीम का बंदोबस्त फरमाएं। नाज़रीन, अम्बिया इकराम ने भी अपने वालदैन का बड़ा अदब किया है और कुरान करीम में इस इन मामलात पर भी रोशनी डाली गई है और इन आयात को जो जितने अम्बिया इकराम ने जो ये मामलात किए हैं तो उसके हवाले भी दिए गए हैं ताकि हम उन मामलात से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी दर्जे में अपने वालिद से एहतराम का ख्याल रखते हुए उनके लिए दुआएं मगफ़रत की, यानी कि उनसे दुआ उनके लिए दुआएं मगफ़रत का वादा किया, यानी अब उनके इख्तियार में बस इतना ही है कि वो दुआ करें, अल्लाह सुबहानहू व ताला चाहे तो कबूल कर लें और चाहे तो रद्द कर दें। सूरतुल मुमतहिना आयत नंबर 4। इसी तरह शुक्रगुजारी के आदाब से है कि इंसान अपने और वालदैन पर अपने रब की मेहरबानी का शुक्र बजा लाए, जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की पुकार सुनकर अल्लाह सुबहानहू व ताला की उस नेमत का जवाब जो उन्हें और उनके वालिद को हासिल थी उस पर शुक्र इलाही बजा लाए थे। यानी कि ये जो अम्बिया इकराम हैं इन्होंने भी अपने वालदैन के लिए दुआ फरमाई है। तो नाज़रीन, रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, ये जो हम आयत, ये दुआ जो हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं तो उसमें भी यही हम बात कर रहे होते हैं, अपने रब से यही दुआ कर रहे होते कि ए अल्लाह हमें और हमारे वालदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, यानी कि हमारे वालदैन को भी बख्श दे। तो नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम था इसमें मैंने आपके सामने कुरान, वो कुरानी आयात जो स्पेसिफ़िकली माँ बाप के हवाले से थी, उनकी अज़मत के हवाले से थी, वो आपके सामने रखी। प्रोग्राम के दौरान अगर मुझसे कोई ग़लती या कोताही हो गई हो तो मैं अपने रब के हुजूर माफ़ी का तलबगार और तौबा का तलबगार हूँ। अपने मेज़बान इंजीनियर मोहम्मद हाफिज़ अरसलान सईद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।